अगर शिद्दत से किसी चीज़ को चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उस चीज़ से मिलाने में जुट जाती है। और अब ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान की टीम ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को बड़ी शिद्दत से चाहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि अब पूरी कायनात अफगानिस्तान टीम को उस वर्ल्ड कप ट्रॉफी के करीब लेकर जा रही है। 25 जून और 2024 एक ऐसा दिन जो अब अफगानिस्तान क्रिकेट में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इस टीम ने बांग्लादेश को हराकर एक वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए अब क्वालिफाई कर लिया है। जब वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी तो किसी ने नहीं कहा था, किसी एक्सपर्ट ने नहीं कहा था, किसी कमेंटेटर ने नहीं कहा था कि यह टीम वर्ल्ड कप जीतने के लिए फेवरेट्स है। सिर्फ एक ब्रायन लारा थे जिन्होंने यह बात कही थी कि अफगानिस्तान की टीम टॉप फोर में जा सकती है। और जब अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई तो राशिद खान ने कहा कि मैंने ब्रायन लारा से बहुत पहले कह दिया था, मैंने उनसे कहा था कि हम आपको निराश नहीं होने देंगे, आपने हम पर दांव लगाया है, हमको लेकर यह बात कही है कि हम सेमीफाइनल में जाएंगे, हम टॉप फोर में जाएंगे, हम आपको निराश नहीं करेंगे, हम जाकर दिखाएंगे। और उन्होंने जाकर दिखाया। ब्रायन लारा क्या अफगानिस्तान टीम ने किसी को निराश नहीं किया, क्योंकि इस टीम ने इस पूरे वर्ल्ड कप में क्या बड़े बड़े काम किए हैं। पहले न्यूजीलैंड को हराया, फिर ऑस्ट्रेलिया को हराया, बांग्लादेश को हराया और एक ऐसे ग्रुप से सेमीफाइनल में पहुंच गई जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम थी, दो ऐसी टीम्स जिनका वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम है, दो ऐसी टीम्स जिनको लेकर ये बातें होती थी कि ये फाइनल खेल सकती हैं, और उसी ग्रुप से अफगानिस्तान की टीम ने सेमीफाइनल के लिए अब क्वालिफाई कर लिया। सच में अफगानिस्तान क्रिकेट की ये जीत कोई नहीं भूलेगा। जब जब T20 वर्ल्ड कप को याद किया जाएगा, जब 2024 को याद किया जाएगा, तो अफगानिस्तान जीत के चर्चे पूरी दुनिया में मशहूर होंगे। आज जब अफगानिस्तान ने ये मैच जीता तो सारे खिलाड़ियों की आंखें नम थी। पहले इस टीम ने गुरबाज को कंधे पर घुमाया, फिर राशिद खान को घुमाया, फिर जोनाथन ट्रॉट को घुमाया, और ये गवाह है, ये बात पता चलती है कि इस टीम के लिए इस जीत के कितने मायने थे। और सच में अफगानिस्तान क्रिकेट ने चाहे कितने भी बड़े मैचेस जीते हों, चाहे न्यूजीलैंड को हराया हो, ऑस्ट्रेलिया को हराया हो, आप वर्ल्ड कप में जाएंगे 2023 के वर्ल्ड कप में तो इस टीम ने श्रीलंका को हराया, इंग्लैंड को हराया, पाकिस्तान को हराया, लेकिन बांग्लादेश की जीत इस टीम के लिए सबसे टॉप पर रहेगी, क्योंकि इस जीत से अफगानिस्तान ने अपनी क्रिकेट हिस्ट्री में पहली बार एक वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया है। आज पूरी दुनिया इस टीम की विजय गाथा गा रही है, पूरी दुनिया कह रही है कि अफगानिस्तान आपके लिए खड़े होकर तालियां बजाना बनता है। T20 वर्ल्ड कप के इस मैच में अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को एक ऐसे मैच में हराया जहां ऐसा लग रहा था हमने सब कुछ देखा, हमने बारिश देखी, हमने विकेट्स गिरते देखे, हमने रन्स बनते देखे, हमने इंजरीज देखी, और हमने अफगानिस्तान को जीतते हुए देखा, हमने अफगानिस्तान को अपने फैंस को प्राउड करते हुए देखा। लेकिन अब कहानी यह है कि अफगानिस्तान क्रिकेट अब राइज कर चुका है। अब जब अगला वर्ल्ड कप शुरू होगा तो कोई इस टीम को ना अंडरडॉग कहेगा ना अंडररेटेड कहेगा। बहुत सारे एक्सपर्ट्स होंगे, बहुत सारे कमेंटेटर्स होंगे जो इस टीम को फेवरेट्स का टैग देंगे, इस टीम को टॉप टू में बताएंगे और इस टीम को टॉप फोर में बताएंगे, क्योंकि अब अफगानिस्तान क्रिकेट का राइज हो चुका है। चलिए अब जरा इस मैच की बात करते हैं। एक ऐसा मैच जो आई एम श्योर ना अफगानिस्तान की टीम कभी भूलेगी, ना इनके क्रिकेट फैंस भूलेंगे, ना कोई भी क्रिकेट फैन भूलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह थी कि अफगानिस्तान की जीत ने ऑस्ट्रेलिया को एक वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। आज अफगानिस्तान जीत के हीरो थे नवीन उलग। आखिरी ओवर, नवीन उलग का आखिरी ओवर था, सेकंड लास्ट ओवर था, जहां लिटन दास सामने खड़े थे। शायद अगर आखिरी ओवर लिटन दास को मिल जाता तो वो मैच खत्म कर देते, लेकिन नवीन उलग ने अपनी नर्व्स को हेल्ड किया और दो बॉल में पहले तस्कीन अहमद को आउट किया और फिर मुस्तफिजुर रहमान को आउट किया, और नवीन उलग ने इस पूरे मैच का रुख पलट दिया। गुरबाज की आंखों में आंसू दिखे, एक ऐसा खिलाड़ी जो इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा, अफगानिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए। आखिरी मैच में एक इंजरी हुई जिसके बाद वो मैदान से बाहर चले गए, लेकिन जब ये मैच जीती अफगानिस्तान तो उनकी आंखों के आंसू ये बताने के लिए काफी थे कि ये जीत के कितने मायने हैं। राशिद खान अफगानिस्तान क्रिकेट का शायद सबसे बड़ा नाम, और आज अफगानिस्तान के इस खिलाड़ी ने साबित कर दिया कि क्यों इस खिलाड़ी को T20 क्रिकेट का सबसे बेहतरीन गेंदबाज कहा जाता है। जब मुश्किल सिचुएशन थी, विकेट्स गिर नहीं रहे थे, बांग्लादेश डोमिनेट कर रही थी, तो आते हैं, चार चार विकेट चटकाते हैं और अफगानिस्तान को जीत के एकदम करीब ले जाते हैं। राशिद खान हो, गुरबाज हो या फिर जोनाथन ट्रॉट हो, जोनाथन ट्रॉट को आप कैसे भूल सकते हैं, एक ऐसा खिलाड़ी जो इंग्लैंड का है, इंग्लैंड के लिए खेला करता था, अफगानिस्तान का कोच बना और जब से कोच बना है तब से क्या कमाल कर रहा है। मतलब सच में इस मैच में हमने वो सब कुछ देख लिया जो शायद एक क्रिकेट मैच में देख सकते थे, और आखिर में एक चेरी ऑन टॉप तब आई जब अफगानिस्तान ने इस मैच को जीत लिया, क्योंकि सच में चाहे जोनाथन ट्रॉट हो, चाहे ड्वेन ब्रावो हो, गुरबाज हो या फिर राशिद खान हो, ये एक जीत के कई हीरो हमने आज देखे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ऑस्ट्रेलिया की टीम
जिनकी एक छोटी सी उम्मीद बची थी कि अगर बांग्लादेश ये मैच जीत जाती तो वो सेमीफाइनल में जा सकते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम अब टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। पहला सेमीफाइनल होगा इंडिया और इंग्लैंड के बीच और दूसरा सेमीफाइनल होगा साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच। ये हैं इस साल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के फिक्स्चर्स। थोड़े से अजीब हैं क्योंकि सेमीफाइनल में यूजुअली आप उम्मीद करते हैं कि आपको न्यूजीलैंड दिखेगी, आपको ऑस्ट्रेलिया दिखेगी, लेकिन ये वो वर्ल्ड कप ही नहीं है। जब ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ था मैंने तब आपसे ये बात कही थी कि ये अपसेट्स वाला वर्ल्ड कप है, ये कुछ अलग ही वर्ल्ड कप है और वो वर्ल्ड कप अपनी रेपुटेशन के हिसाब से जा रहा है, क्योंकि पहले हमने अफगानिस्तान को बड़े टीम्स को हराते देखा, अब हमने अफगानिस्तान को सेमीफाइनल में जाते देखा और यू नेवर नो अफगानिस्तान फाइनल में भी पहुंच जाए या शायद ट्रॉफी भी जीत जाए, क्योंकि इस टीम ने पिछले कुछ समय से ऐसे कुछ काम बहुत बार किए हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप में श्रीलंका को हराया था, पाकिस्तान को हराया था, इंग्लैंड को हराया था, इस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को हराया था, ऑस्ट्रेलिया को हराया था। सिर्फ दो मैचेस और जीतने हैं और अफगानिस्तान की टीम अपनी क्रिकेटिंग हिस्ट्री की पहली ट्रॉफी भी जीत सकती है। अब खैर कुछ प्लेयर्स हैं जिन्हें अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो गुलबदीन नायब हो जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कमाल किया, आज एक क्रूशियल मोमेंट पे आकर तंजीम हसन को आउट किया। ड्वेन ब्रावो का बहुत बड़ा क्रेडिट बनता है जो इस टीम के साथ जुड़े, इस टीम के साथ लगातार काम किया, आज पूरे मैच में बाउंड्री लाइन पर बैठे हुए थे और अपनी टीम का साथ दे रहे थे। और राशिद खान, इवेंचुअली उन्होंने वो बात कही कि ब्रायन लारा इकलौते ऐसे इंसान थे जिन्होंने कहा था कि हम सेमीफाइनल में जाएंगे और मैंने उनसे कहा था कि हम आपको निराश नहीं करेंगे। आज अगर मैच की बात करें तो अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग की, 115 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पे, पिच मुश्किल थी इसलिए गुरबाज की पारी बहुत अच्छी थी, 55 बॉल पे 43 रन बनाए, राशिद खान ने 10 बॉल पे 19 बनाए, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान ने पहले 10 ओवर्स में 59 रन 1 विकेट के नुकसान पे बनाए थे। लग रहा था कि बड़ी आसानी से शायद 150 बना दें या 160 बना दें, पर फिर बांग्लादेश ने वापसी की और अफगानिस्तान की टीम 20 ओवर में सिर्फ 115 बना पाई, जिसके बाद लग रहा था कि अब सारे रिजल्ट्स पॉसिबल हैं। अफगानिस्तान जीती तो अफगानिस्तान क्वालिफाई करेगी, बांग्लादेश कहीं अगर 12 ओवर में चेज कर गई तो बांग्लादेश भी जा सकती है, और आखिर में ऑस्ट्रेलिया की टीम के भी ऊपर चांसेस हैं कि अगर अफगानिस्तान नहीं जीत पाई तो ऑस्ट्रेलिया भी जा सकती है। लेकिन अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 105 पे ऑल आउट किया और सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। आखिर में जाते जाते लिटन दास को भी अप्रिशिएट करना जरूरी है, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अपना सब कुछ दिया, ओपनिंग करने आए थे और आखिरी बॉल तक दूसरे एंड पे डटे रहे लेकिन किसी का साथ नहीं मिला, 49 बॉल पे 54 रन बनाए और बहुत कम उनको अप्रिशिएट किया जाएगा इस मैच के बाद क्योंकि उनकी टीम नहीं जीत पाई, लेकिन उनकी पारी एकदम टॉप क्लास थी। लेकिन कहानी सबसे बड़ी ये है कि अब अफगानिस्तान ने, इंडिया ने, दोनों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है और पहला सेमीफाइनल होगा साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच, दूसरा सेमीफाइनल होगा इंडिया और इंग्लैंड के बीच। और क्या आपको लगता है कि अफगानिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ी जीत थी? क्या आपको लगता है कि अफगानिस्तान फाइनल में जा सकती है? क्या आपको लगता है कि अफगानिस्तान की टीम यहां से वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत सकती है? वेल, आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।